हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम सिंह एंड टुडे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ब्रांड पोजीशनिंग। तो ब्रांड पोजीशनिंग एक्चुअली होता क्या है, ब्रांड पोजीशनिंग का यूज क्या है फ्यूचर के अंदर। ब्रांड पोजीशनिंग इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्मॉलर रिटेलर इन द होल सिटी। जो ब्रांड पोजीशनिंग इज डजंट मीन दैट व्हाट द प्रोडक्ट विच यू आर मैन्युफैक्चर और द प्रोडक्ट विच यू आर मेड। ब्रांड पोजीशनिंग इज ओनली डन टू योर प्रोडक्ट होगी, तो प्रोडक्ट के ऊपर ही ब्रांड पोजिशनिंग होती है। ब्रांड पोजिशनिंग आपका एक शॉप होता है उसका भी एक ब्रांड पोजिशनिंग हो सकता है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर्विस का भी एक ब्रांड हो सकती है। तो ब्रांड कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई टेंजिबल कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसका आप ब्रांड पोजिशन करो मार्केट के अंदर। सो उसी के बारे में आज हम लोग उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दैट व्हाट इज द स्ट्रेटजी एंड हाउ यू मेक द स्ट्रेटजी टू मेक योर ब्रांड इज एन ऑन दैट लेवल। मार्केट के अंदर आप अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं उसका स्ट्रेटजी है, एक प्रॉपर वे है। अगर आप उन चीज़ों को अगर आप एनालाइज करते हैं तो आप उस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट अगर जब आप करेंगे तो कोई भी आपके चाहे सर्विस टेंजिबल प्रोडक्ट हो या इनटेंजिबल प्रोडक्ट हो, ऑटोमेटिकली दे आर कन्वर्टेड इन टू द ब्रांड इन द मार्केट। तो बस वही है यार, 3C इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ द मोस्ट यू कैन से कि कोई भी ब्रांड को पोजिशन करने के लिए जो 3C है ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो पहले सी है जिसके हम बारे में बात करना चाहते हैं वो है कस्टमर। कस्टमर तो किंग है ही, तो कस्टमर सबसे पहली चीज़ है कस्टमर, दूसरा है कंपटीशन और तीसरा है कंपनी। कस्टमर कंपनी, कस्टमर कंपटीटर और कंपनी, ये 3 C है। अगर आप इन 3 C को अगर आप एनालिसिस करते हैं सो यू आर इजीली फाइंड दैट वेयर इज़ योर प्रोडक्ट और हाउ यू मेक द ब्रांड ऑफ योर प्रोडक्ट। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी, व्हाट इज़ कंपनी। सो कंपनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बना हुआ है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप सबसे पहले उसके बारे में आप अपनी कंपनी को आइडेंटिफाइड किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, यू आर जस्ट अप्लाइड दिस SWOT इनटू योर कंपनी एंड यू आर फाइंड द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ योर कंपनी और योर ऑर्गेनाइजेशंस। आपको आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, आपको अपनी वीकनेस के ऊपर भी काम करना है। स्ट्रेंथ को और शाइन करिए और वीकनेस को भी इम्प्रूव करिए डे बाई डे। Because why I am telling you that there are the many companies who are have the good product, they have the everything, but still there is some internal issues, there is some internal things that they are not make themselves or they are not execute themselves in the market. तो उनको SWOT एनालिसिस करने की ज़रूरत है। SWOT एनालिसिस के अंदर नॉट ओनली आप प्रोडक्ट का कर सकते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कर सकते हैं, आप अपने HR का SWOT एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपनी मशीनरी का SWOT एनालिसिस कर सकते हैं। तो SWOT एनालिसिस बहुत ज़रूरी है बिफोर आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में अगर रखें, तो उससे पहले आप अपना कंपनी का SWOT एनालिसिस करें। उससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी जो कंपनी है उसको किन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड हाउ वी इम्प्रूव्ड इट, हाउ वी अवर वीकनेस, हाउ वी इम्प्रूव अवर स्ट्रेंथ। सो SWOT एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये हो गई बात कंपनी की। सेकेंडरी मैं बताऊँगा कस्टमर। कस्टमर इज़ ऑल्सो भी द वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफकोर्स कस्टमर इज़ द किंग। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी सक्सेस अगर आपको मिलेगी तो कस्टमर के जरिए से ही मिलेगी। तो कस्टमर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी ब्रांड पोजिशनिंग करने के लिए। कस्टमर का ध्यान हम किस तरीके से रखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट, वॉट एवर द प्रोडक्ट वी आर द मैन्युफैक्चर, वी शुड नो आवर टारगेट सेगमेंट। टारगेट सेगमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, कभी भी सबके लिए कुछ भी एक प्रोडक्ट नहीं बनाते, आप अपना टारगेट सेगमेंट ध्यान में रखकर तभी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। आई हैव दैट एग्जाम्पल ऑफ लाइक जॉनसन। जॉनसन का जो टारगेट सेगमेंट है, ऑफकोर्स वो प्रोडक्ट बनाता है बच्चों का, बेबी प्रोडक्ट बनाता है वो, बट देयर टारगेट सेगमेंट इज़ नॉट द चाइल्ड, चिल्ड्रन उसका कभी टारगेट सेगमेंट नहीं है। जॉनसन का टारगेट सेगमेंट है डिसाइडर, जो डिसाइड करता है, परचेज करता है। कौन हुआ डिसाइडर? पेरेंट्स, स्पेशली मदर, मॉम, जो जो हाउसवाइफ है या फिर जो
वर्किंग वूमेन है वो उसका टारगेट सेगमेंट है. एंड ड्यू टू दैट रीजन व्हेन द जॉनसन वर बी द इनिशियली केम इनटू द मार्केट दे आर स्टार्ट प्रमोटिंग देयर सेल्फ इन द सोशल मीडिया दे आर स्टार्ट प्रमोटिंग देयर सेल्फ इन द इन द इन द इन द इन द डिफरेंट वे दे हैव द डिफरेंट स्ट्रेटजी दैट हाउ आई टारगेटेड स्पेशली मदर हाउ आई टारगेटेड स्पेशली द पेरेंट्स जिसको ये पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा रहेगा. तो उसका जो टारगेट सेगमेंट है ऐसा हो सकता है कि आप प्रोडक्ट आप किसी और के लिए बना रहे हो लेकिन आपका टारगेट सेगमेंट कुछ और हो. तो कस्टमर के जहाँ तक बात आती है उसके लिए हमें टारगेट सेगमेंट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो टारगेट सेगमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहली बात हमने करी कंपनी की, अपना कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस करी है. दूसरी बात हमने करी कस्टमर की, कस्टमर की बात हमने करी क्योंकि हमको टारगेट सेगमेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका स्मॉल शॉप भी है, रिटेलर शॉप भी है, सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेरी शॉप के अंदर जो कस्टमर आ रहा है मैं मेरा टारगेट कस्टमर कौन सा है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो टारगेट कस्टमर हो वो एकदम हाई लेवल हो या मिडल लेवल हो या लो लेवल हो. आप आइडेंटिफाइड करिए कि आपका टारगेट सेगमेंट कौन सा है. अगर आपके 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 शॉप के अंदर काफ़ी मिडल लेवल का आदमी आ रहा है तो वो टारगेट सेगमेंट है. उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट का वैरायटी बढ़ाइए, आप उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करिए और प्रोडक्ट का हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इम्प्रूव करने की स्टार्ट की वेरिएशन लाने के लिए स्टार्ट करिए. आप फिर देखिएगा आपका जो बिजनेस है, आपका जो ब्रांड है वो ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा मार्केट के अंदर. तो कस्टमर इम्पोर्टेंट है और कंपनी इम्पोर्टेंट है. तीसरी चीज़ मैं बात करूँगा कंपटीशन. कंपटीशन बहुत ज़्यादा जो आज हमारे छोटे दुकानदार हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, उनको कंपटीशन ही है जो सबसे ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि यार ये कंपटीशन मेरे कंपटीशन में ही आते, जैसे कोई मॉल आ गया या ऐसा कुछ आ गया. तो कंपटीटर जो है उसको भी एनालिसिस करना, उसकी भी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट को एनालिसिस करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. कंपटीटर एनालिसिस के ऊपर मैं एक पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ जो शॉर्ट एनालिसिस मैंने उसके अंदर बताया था, आप उसको भी चेक कर सकते हैं. तो कंपटीटर को एनालाइज्ड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कॉपीकैट कभी मत बनना. कॉपीकैट इन द सेंस कि वो उसने कोई प्रोडक्ट निकाला है तो मैं भी वैसा ही प्रोडक्ट निकाल दूँ, वो कॉपीकैट वाली बात होगी, आपका ब्रांड फिर तो खत्म हो जाएगा. कॉपीकैट नहीं करना, आपको बस उसका जो स्ट्रेटजी है, जो भी स्ट्रेटजी उसने बनाई है, कंप्यूटर ने स्ट्रेटजी बनाई है, आपको बस उसका स्टडी करना है, उसका एनालिसिस करना है कि भाई ये फलाना उसने ब्रोशर्स निकाला है, फलाना उसने बिल बोर्ड पर कुछ इस तरीके का क्रिएटिव कुछ किया है या फिर डिजिटल मार्केटिंग में वो कुछ क्रिएटिव कर रहा है. आपको बस नोट डाउन करना है, उसका एनालिसिस करना है, देन आफ्टर यू आर जस्ट मेक द स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्ट्रेटजी. देन आफ्टर मेकिंग द स्ट्रेटजी यू जस्ट इम्प्लीमेंट इट. उसकी कॉपी नहीं करनी है, आपको अपनी स्ट्रेटजी बना के उसका इम्प्लीमेंट करना है कि हाँ ये बंदा इतना कर रहा है और उससे इसको इतना फ़ायदा हो रहा है, मैं भी ये करूँगा, मैं भी इस तरीके का एक सोशल मीडिया, अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, चलो मैं भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा, ठीक है, मैं भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करूँगा लेकिन उसकी तरह नहीं करूँगा, मैं थोड़ा हटके कुछ करूँगा या फिर कुछ अलग कुछ करूँगा. मैं वो बिल बोर्ड का कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा है, मैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा. आपको बस कॉपीकैट नहीं करना है, आपको बस उसके आइडियाज़ लेने हैं. उसके आइडिया लेने के बाद एक क्रिएट करना है अपना खुद का आइडिया, एक खुद की स्ट्रेटजी बनानी है और उसको इम्प्लीमेंट करनी है. ये होता है कंपटीशन. तो हमने आज बात करी कस्टमर की, कंपटीशन की और कंपनी. कस्टमर, कंपटीशन और कंपनी, ये तीन चीज अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कोई भी प्रोडक्ट का पोजीशनिंग कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट हम इजीली हम कोई भी अपने प्रोडक्ट की ब्रांड बना सकते हैं. सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना तो वीडियो है यार, जो भी जितने भी मैं बना देता हूँ, कभी जैसे फ्री टाइम मिलता है तो मैं आई जस्ट मेक द वीडियोज ऑफ इट. आई एम द MBA स्टूडेंट, सो इट्स माई इंटरेस्ट दैट मैं जो छोटे छोटे जो रिटेलर होलसेलर हैं यार, कंपटीशंस वगैरह कभी देखते हैं तो आई एम इंटरेस्टेड टू कुछ भी उनको अगर अच्छा मिलता है तो अच्छा ही है, उसके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स.